अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। ट्रू मीडिया के संस्थापक ओम प्रकाश प्रजापति जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इस चैनल के माध्यम से और एक पत्रिका निकाल रहे हैं साथ ही साथ ट्रू मीडिया, इस सब के माध्यम से वो साहित्य की और संस्कृति की अलख जगा रहे हैं पूरे देश में। और अब तो ये जो चैनल है इसके माध्यम से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और करोड़ों लोग यहाँ पर जुड़े हुए। मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ और आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ट्रू मीडिया का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। मैं छंदमुक्त कविताएं कुछ आपके बीच रखना चाहती हूँ। माँ पर बहुत कुछ लिखा गया है और होता क्या है कि हम लोग जो है कुछ अपना रुपए पैसे भेज करके हम सोचते हैं कि हमने अपने दायित्व की पूर्ति कर ली, जबकि माँ क्या चाहती है, बहुत छोटा सा जो है ना वो एक चीज आपसे चाहती है जो हम नहीं दे पाते हैं। बस वही बात इस कविता में रखने की कोशिश कि बीमार जर्जर बूढ़ी माँ, कि बीमार जर्जर बूढ़ी माँ याद करती है अपने बेटे को, कि बीमार जर्जर बूढ़ी माँ याद करती है अपने बेटे को, लिखवाती है चिट्ठी पड़ोस की लड़की से, कि लिखवाती है चिट्ठी पड़ोस की लड़की से, अब ज़रूरत नहीं है तुम्हारे भेजे पैसे और दवाओं की, कि अब ज़रूरत नहीं है तुम्हारे भेजे पैसे और दवाओं की, सिर्फ तुम आ जाओ, कि सिर्फ तुम आ जाओ बैठो मेरे पास, कि सिर्फ तुम आ जाओ बैठो मेरे पास, तुम्हारे बचपन की स्मृतियों में तलाशूं अपना अतीत, अपने जीवन की संतुष्टि, कि तुम्हारे बचपन की स्मृतियों में तलाशूं अपना अतीत, अपने जीवन की संतुष्टि। और जो लोग भी इस कविता को सुन रहे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वो ज़रूर अपनी माँ के पास, चाहे कितने भी व्यस्त हों, थोड़ा सा समय निकाल करके एक दो दिन का जैसे भी हो जहाँ भी हो ज़रूर पहुँचें अपनी माँ के पास और उनके साथ भी कुछ पल व्यतीत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।